हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। और हम बात करेंगे क्रूड ऑयल आज क्या, सॉरी बैंक निफ्टी आज क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकता है बैंक निफ्टी, ये डेली चार्ट और आज बैंक निफ्टी का पिवट पॉइंट 26,599, फर्स्ट रेजिस्टेंस 26,863 एंड द सेकंड रेजिस्टेंस 26,999 एंड द थर्ड रेजिस्टेंस 27,026 एंड 4 और फर्स्ट सपोर्ट 26,462 एंड द सेकंड सपोर्ट 26,198 एंड द थर्ड सपोर्ट 26,061। तो ये देख सकते हैं आप क्रूड ऑयल, सॉरी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं एक हायर हाई बना के, राइट, हायर हाई बना के यहाँ पे जो मैंने पहले सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लाइन दिया था 27,449 में, तो वहाँ पे गया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए सपोर्टिंग लाइन डाला था, रेजिस्टेंस लाइन डाला था क्योंकि वो प्रीवियसली ये ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए, तो ब्रेकआउट हुआ नहीं तो एग्जैक्टली वहाँ पे गया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट जो ये नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं एक रिट्रेसमेंट। तो अभी हमको देखना है ये रिट्रेसमेंट कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा हमें एक करेक्शन मिला, हायर हाई बना के करेक्शन मिला अराउंड जो 20 मूविंग एवरेज था। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले 20 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ तो उसका बाद ऊपर जाएगा, तो एग्जैक्टली वो तो ऊपर गया लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, राइट। तो गैप डाउन ओपन हो गया तो मुझे लगता है ये और थोड़ा बहुत नीचे आना है, जैसे 27,900 का आसपास आना है क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे एक सपोर्टिंग रेंज और रेजिस्टेंस रेंज बना के रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से आ सकता है। तो और साथ में थोड़ा ऊपर में एक 200 और 150 मूविंग एवरेज भी है। तो ये जो एरिया है इसमें हमें एक बफर जोन मिला हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है बफर जोन। तो मार्केट एग्जैक्टली क्या होता है बफर जोन में, तो यहाँ पे क्या होता है मार्केट कभी कभी जो एक रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ तक नहीं आता, तो वो होता क्या है वो बफर जोन के आसपास आ जाता है, तो बफर जोन से आके फिर से ऊपर जाने का चांसेस रहता है। तो इसलिए आपको जब ये मार्केट थोड़ा अभी 26,300 में चल रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 26,200 या 100 का आसपास आ सकता है क्योंकि एक बफर जोन एरिया में रुका हुआ है, राइट। अगर ये बफर जोन एरिया में एंट्री हो गया तो आप सेल करना, स्टॉप छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग पोजीशन के लिए, होल्डिंग पोजीशन के लिए, और हम देखेंगे अभी डेली पोजीशन के लिए। तो 15 मिनट में मैंने चार्ट लिया, तो 15 मिनट में मैंने इसको जूम इन कर दिया और जूम आउट कर दिया। तो इसमें देख सकते हैं क्या है, जूम आउट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर गया, ब्रेकआउट करके फिर से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ से पूरा ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होके थोड़ा रिट्रेसमेंट हो गया, राइट। रिट्रेसमेंट होके रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ, 200 मूविंग एवरेज की आसपास हुआ, रिट्रेसमेंट होके इसको ब्रेकआउट और गैप डाउन ओपन हुआ। तो यहाँ पे हमें एक बात देखना पड़ेगा, यहाँ पे सपोर्टिंग एक सपोर्टिंग जोन और रेजिस्टेंस जोन मिला के एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा हुआ है। अगर ये 26,200 ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है ये 26,900 तक आ सकता है, नहीं तो यहाँ से भी फिर से ये बाउंस बैक हो सकता है, राइट। तो इसलिए आपको जब पोजीशन लेना है तो पोजीशन लेने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अभी मार्केट यहाँ पे है तो आपको अगर शॉर्ट करना चाहता है तो इसको ब्रेकआउट करने का बात ही आप शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे 26,200 का नीचे में, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।